बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर फेलोज, अब तक हमने पोस्ट सिलेक्शन फॉर दी नैब सीलर इन्फॉर्मेशन के लिए हमने 1, 2, 3 वीडियोस कर लिए। ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम लियन प्रोसेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आपने वो कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट है, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑफर लेटर आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपको लेटर मिलेगा, आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके अलावा 100 का श्योरिटी बॉन्ड जिसको आप कह लें कि आप बयान हल्फी एक आप जाके जमा करवा देंगे कि आपकी किसी बिरून मुल्क किसी लड़की या लड़के के साथ आपने शादी नहीं की हुई है, ना ही आपका निकाह, ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं है आपकी, हाँ ये पक्की बात होनी चाहिए, ये जमा करवा देंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जाके जमा करवा देंगे। स्टार्ट हो जाएगा आपके सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंसेस की वेरिफिकेशन का सिलसिला, पुलिस वेरिफिकेशन, और इस तरह से आप शामिल हो जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बतौर नैब सीलदार। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने इस जॉब को जब ये सीटें आई थी 2020 में, तो अपने डिपार्टमेंट से उन्होंने डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट ऑन दी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आर गिवन फॉर्म ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन दी वेबसाइट ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने डाउनलोड किया, अपने पूरे क्रेडेंशियल्स भरे, अपने डिपार्टमेंट को आपने लिखा, लेटर लिखा, और डिपार्टमेंट का जो आपकी अथॉरिटी थी उन्होंने आपको लॉ कर दिया, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट दे दिया आपको। अब आप हो गए नैब सीलदार सिलेक्शन के बाद। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि रिजाइन ही कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, जो 7A के तहत लियन है, ये आपका लीगल राइट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि लियन क्या होता है। अब हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये गलती की थी कि रिज़ाइन कर दिया था। आप अपनी सर्विस क्यों ज़ाया करना चाहते हैं? आपने सर्विस ज़ाया कर दी, आप जितना आपके जीपी फंड आपका बना था, इसके अलावा जितनी आपकी मरात थी गवर्नमेंट के जिन्होंने जो आपको देनी थी, वो सारी आपने ज़ाया कर दी। इसके अलावा कभी हो सकता है कि दोबारा वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहे, तो फिर भी आप जा सकते हैं। और इसका लियन क्या होता है, आज हम बात करेंगे लियन से मुतलिक। हाँ, लियन से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लियन के लिए ज़रूरी है कि एक रेगुलर कैंडिडेट या एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो होता है जिसने अपने प्रोबेशन पीरियड अपना मुकम्मल कर लिया हो और रेगुलर सर्विस कर रहा हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो इसके लिए उसको लियन का राइट दिया जाता है, जो 7A है। लेकिन 7A से पहले जो लॉ है, मैं आपको बता दूं, ये लॉ है द पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रूल्स 1974। दोबारा बता देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करूँगा कि मेरे दोस्त, मुझे तो लिखना नहीं आता कि ये कैसे आप टाइप करते हैं, कैसे लिखते हैं, फ्लैश कैसे होता है स्क्रीन पे, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त जो है ये फ्लैश कर दें स्क्रीन पे भी। इसका नाम है दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974। इस जो कानून है इसके तहत इसका जो सेक्शन 7A है, 7A लियन से रिलेटेड। अब लियन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। 7A कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन एनी अदर रूल्स, ए कन्फर्म्ड सिविल सर्वेंट शैल अक्वायर लियन अगेंस्ट दी सबस्टेंटिव पोस्ट हेल्ड बाय हिम व्हेन ही इज रिलीव्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ हिज सिलेक्शन अगेंस्ट सम अदर पोस्ट कैडर आर सर्विस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान and he shall retain his lien in relieving department until he is confirmed in the said other post cadre or service or for a maximum period of 3 years whichever is earlier and the said period of lien shall in no case be extended। ab ek ek cheez main aapse samjha deta hu aapko, achhi tarah samajh lijiye, free mein samjha raha hu isliye ye nahi ki aap tawajjuh se na samjhe, bade gaur se suniye। sabse pehle sawal hai lien कहता क्या कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एनी अदर रूल्स, इस चीज़ को छोड़ दे, ये लॉ है, इस चीज़ को रहने दें। एक कन्फर्म्ड सिविल सर्वेंट, कन्फर्म सिविल सर्वेंट कौन होता है, आप देखिए रेगुलर सीट आपकी हुई है लेकिन आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, कन्फर्मेशन आपकी हो जाती है, तो फिर आप कन्फर्म्ड रेगुलर पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं। तो ये लॉ कहता है कि कन्फर्म्ड सिविल सर्वेंट होना चाहिए, शैल अक्वायर लियन अगेंस्ट दी सबस्टेंटिव पोस्ट हेल्ड बाई हिम, तो वो सबस्टेंटिव पोस्ट वो है जिसपे अभी आप काम कर रहे हैं। सपोज एक मेरा दोस्त अभी किसी असिस्टेंट की सीट पे काम कर रहा है, वो उसकी सबस्टेंटिव पोस्ट है, वो कहते हैं कि सबस्टेंटिव पोस्ट पे एक कन्फर्म सिविल सर्वेंट का राइट होता है, उसका लियन होता है, एंड
व्हेन ही इज रिलीव्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज सिलेक्शन अगेंस्ट सम अदर पोस्ट। अब देखिए सब्सटेंटिव पोस्ट जिस पे आप काम कर रहे थे उस पोस्ट से आपने क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कमीशन सर्टिफिकेट ले लिया था और आप कंफर्म्ड सिविल सर्वेंट हैं तो आपका लियन जो है आपको लियन मिल जाता है। और आपका लियन किस किस पे होता है सिलेक्शन के अगेंस्ट, जैसे अभी आपकी सिलेक्शन हुई है नायब तहसीलदार। फिर ये कहता है कि कैडर सर्विस इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, चाहे आपने ये फेडरल की कोई जॉब हो तो उसके लिए भी लियन आपको मिलता है और चाहे आपकी ये जॉब प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में भी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों जॉब्स में आपको ये लियन मिलता है। एंड 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 ही शैल रिटेन हिज लियन इन लिविंग डिपार्टमेंट अनटिल ही इज कंफर्म्ड इन दिस सेड अदर पोस्ट। अब देखिए कि पहली इसकी शर्त आ गई है, वो कह रहा है कि आपको जो कंफर्म्ड सिविल सर्वेंट था उसकी सब्सटेंटिव पोस्ट पे यानी जिस पे वो काम कर रहा है उससे उसको लियन दिया जाएगा जो सिलेक्शन होगी है उस पोस्ट के लिए। और ये कब तक होगा, अनटिल ही इज कंफर्म्ड यानी आप अगली सीट पे जब कंफर्म हो जाएंगे तो आपका ये लियन खत्म हो जाएगा। पहली चीज ये, कैडर आर सर्विस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर विच सो एवर इज अर्लियर एंड सेट पीरियड ऑफ लियन शैल इन नो केस बी एक्सटेंडेड। अब दूसरी बात उसने की है कि या तो आप पहले कंफर्म हो गए या आपने 3 साल का पीरियड जो है अगली सर्विस जिसमें आप सिलेक्ट हुए वहां पे गुजार लिया, या इसके अलावा जो तीसरी शर्त है वो ये है कि इसके अलावा आपका लियन एक्सटेंड नहीं होगा। अब शर्तें आपको बता दूं, पहली थी कि कंफर्म सिविल सर्वेंट हूँ आप, रेगुलर आप जॉब कर रहे हैं। दूसरी क्या है कि आपके जो सब्सटेंटिव पोस्ट है इससे इस पोस्ट से आपने डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लिया हुआ हो। तीसरी चीज़ यह है कि आपकी सिलेक्शन जो है सिलेक्शन बाकायदा तौर पर हो गई हो। चौथी चीज़ इसमें यह है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको 2 कंडीशंस आप अवेल करते हैं, या तो यह है कि अगली सीट पर जैसे आप कन्फर्म होते हैं तो आपका लियन जो है ये ख़त्म हो जाता है, और दूसरी यह है कि अगर 3 साल का अर्से यानी 3 साल तक आपका लियन रहता है 3 साल के अर्से के बाद ये कैंसिल हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इन एनी केस इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब इससे आपको फ़ायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अभी आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप कहते हैं कि मेरी वो सीट तो बड़ी अच्छी थी, इस सीट पर आकर मैं परेशान हो गया, तो फौरी तौर पर आप दोबारा से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, लिखेंगे अपने सब्सटेंटिव पोस्ट जो आपका पहला डिपार्ट पेरेंट डिपार्टमेंट उसको कहते हैं, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को अपनी सब्सटेंटिव पोस्ट को रिटेन करने के लिए, क्योंकि लियन आपका लीगल राइट है, आपको कानूनी तौर पर हक है कि 3 साल के अंदर तक या कंफर्म होने से पहले पहले आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को अपनी सब्सटेंटिव पोस्ट को रिटेन करने के लिए लिख दें कि जनाब मैं तो वापस आना चाहता हूँ, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। और आपका डिपार्टमेंट कहेगा कि सुबह कबूल, अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, तशरीफ ले आइए, आप पहली पोस्ट में चले जाएंगे। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि इन एनी केस अल्लाह ना करे कभी कोई प्रॉब्लम बन जाता है आपका अगली पोस्ट पे, कोई इशू बन जाता है तो इस तरह पे आपकी जो पिछली सीट है वो भी महफूज होती है, पिछली सीट पे आप वापस चले जाएं। फिर ये है कि आपने अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इसके लिए ये है कि आपको रिलीव करने का तरीका आना चाहिए। रिलीव करने के लिए ये है कि अगर तो आपके रेगुलर जॉब है लेकिन अभी आप कंफर्म सिविल सर्वेंट नहीं है तो इसके लिए आप रिलीविंग देते हैं, क्योंकि आप साथ में अपने डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट या DPC लगाते हैं तो आपकी अथॉरिटी आपको रिलीव कर देती है, अगले डिपार्टमेंट में जाके आप ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा केस ये होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाजे तौर पर लिखा होता है कि आप 1 मंथ नोटिस दें या फिर 1 मंथ सैलरी जमा करवाएं। बेहतर है कि आप अभी से 1 मंथ नोटिस अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर दें, साथ में अपने डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लगे कि जनाब मैंने अपनी अथॉरिटी से ये डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट है मेरा, मैंने इजाज़त ली थी और अब क्योंकि मेरी सिलेक्शन होगी है तो विद इन 1 मंथ आई विल क्विट द जॉब। फिर जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो आपने अपनी जॉब को छोड़ के चले जाना है नायब तहसीलदार के लिए। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया ना? हाँ, इसी तरह से करना है, रिलीविंग लेके जाना है, रिजाइन करके नहीं चले जाना है, यानी कि आपने रिलीव होना है। रिलीव करने के बाद ये खूबसूरत सा आपने ज्वाइनिंग लेटर बनाना है, ज्वाइनिंग पहले से बना के ले आनी है। ये नहीं कि वहाँ पे नकल मारने बैठ जाए कि जी किस किस ने ज्वाइनिंग बनाई हुई है, मुझे भी दिखाना, मुझे भी दिखाना, ऐसा नहीं होगा। हम ज्वाइनिंग के लिए स्पेसिमेन आपसे शेयर करेंगे, और फिर मेरे बहुत सारे और दोस्त जो बहुत लैक हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सीटों पर बहुत जगह पर अप्लाई भी किया हुआ है, पास भी किया हुआ है, सेलेक्ट भी हो गए हैं, और फिर आफ्टर सिलेक्शन अभी उन्होंने ज्वाइन करने जाना है कमिश्नर ऑफिस में एक बड़ी खूबसूरत सी फाइल लेके, लेकिन खूबसूरत सी फाइल के अंदर खूबसूरत सी लेटर भी होना चाहिए ज्वाइनिंग का। ये ज्वाइनिंग लेटर आपसे मैं शेयर करूंगा, और आपने भी जितने आपने ज्वाइनिंग लेटर बनाए हैं उनका स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन ऑफ दी वीडियो जो है इसमें डाल देने हैं, या फिर हमने एक ग्रुप बनाया है आल पंजाब नायब तहसीलदार 2022 के नाम से,
और इसमें जितने नायब तहसीलदार हैं सबको एडमिन बनाया गया है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो कलीग्स हैं वो फीमेल हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ऑनरेबल हैं, बहुत मोजेज़ हैं, वो हमारा पार्ट हैं। इसके अलावा हमारे तमाम दोस्त, बहुत सारी डिपार्टमेंटल सिक्रेसीज होती हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंटल डिस्कशंस होती हैं, तो ये क्योंकि एक सर्विस से रिलेटेड एक ग्रुप है, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि तमाम दोस्त जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे, हम मैं कोशिश करूँगा हर किसी को एडमिन बनाता जाऊँ, लेकिन आपने सिर्फ किसी भी नैब तहसीलदार को उसमें ज्वाइन कराना है। नैब तहसीलदार जो, क्योंकि इसका नाम ही आल पंजाब नैब तहसीलदार 2022, ये 2022 को जो बैच है इससे रिलेटेड है, तो नैब तहसीलदार के अलावा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बाकी लोगों को इसमें आप शामिल नहीं करेंगे। ये ग्रुप एक्सक्लूसिवली फॉर द बैच ऑफ नैब तहसीलदार 2022 के लिए होगा, तो इसमें भी आप अपना जो ज्वाइनिंग का लेटर है, जो आप ज्वाइनिंग लेटर आप दे चुके हैं जब भी देने जा रहे हैं, उसको आप शेयर कीजिएगा। हम तमाम लोग नकल मारेंगे, और आपका सबसे जिसका सोना हुआ ना, सबसे सोना जिसने, खूबसूरत जिसने अपना ज्वाइनिंग लेटर लिखा, हम भी उसी तरह से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जल्दी जल्दी से जाके खूबसूरत टाइपिंग के साथ कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और फिर अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि आपको शेयर करूँ आपके साथ जो स्केड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग है, और फिर स्केड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग के साथ बाकायदा आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करा दी जाए। और जो बस्ता है, बंटवारी का जो बस्ता है, जिसे कहा जाता है कि ये कोई बड़ा सीक्रेट बैग है, तो ये सीक्रेट बैग या बस्ता जो है 1 साल की ट्रेनिंग के बाद बनता है, DLR को जाके आप पेश करते हैं, और वहाँ से आपका इंटरव्यू वहाँ पे भी होता है, और इस इंटरव्यू के बाद आपको असिस्टेंट कलेक्टर Grade 2 का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब जाके आप इंतकाल कर सकते हैं, ये जहन में रखें। और फिर इसी ग्राउंड में, इसी बस्ते से रिलेटेड ही इम्तहान होते हैं, जिसमें आपको कानून गोई के इम्तहान पास करने के बाद की डिग्री दी जाती है। बस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि बस्ते की एक एक चीज़ आपको बताऊं, और एक एक चीज़ आपको बनवाऊं भी सही साथ में प्रैक्टिकली, और इसके लिए वीडियोस इंशाल्लाह मैं साथ साथ में अपलोड करता जाऊंगा आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, इतनी इन्फॉर्मेटिव, खूबसूरत खूबसूरत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो फिर साफ़ ज़रा हमारा साथ तो आप देते ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।